हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह 9-10 बजे का टाइम है, गर्मी बहुत है और मेरे साथ है मेरी भाभी, भतीजी और भतीजा और बहू है जो वीडियो शूट कर रही है, उसको मैं दिखा नहीं पाऊँगी। तो अब हम निकल लिए हैं खेत के लिए और 9-10 बजे का टाइम है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम जा रहे हैं गाड़ी से और अब हम आ गए हैं अपने खेत में। तो ये देखो, ये हमारे खेत में स्टार्टिंग में ही नींबू का पेड़ लगा हुआ है। पहले ये बहुत छोटा था, अब काफ़ी बड़ा हो गया है और इसमें बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं। और दिल्ली में तो अब की बार नींबू इतने महंगे थे कि बहुत ही महंगे हैं गर्मी में। और ये साथ में अनार का पौधा लगा हुआ है, इसमें अनार लगे हुए हैं। ये देखो, इतने सारे नींबू लगे हुए हैं इसमें कि इनको तो लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और यहीं से तोड़ के यूज कर लेते हैं। और ये बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं जो अब मेरा भतीजा इनमें पानी देने आया है, इसमें पानी डालेगा क्योंकि ये सूख गए हैं, बारिश नहीं आ रही तो ये पानी दे के जाते हैं इनमें। तो जब बरसात आ जाएगी तो ये अच्छे से खूब हरे भरे हो जाएंगे और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और ये देखो, ये उसका दुपट्टा लज गया है झाड़ी में, तो ये मैं निकाल देती हूँ। और इन्होंने कभी गांव के खेत नहीं देखे। और ये देखो, ये जो मैं दिखाने लाई हूँ आपको टीट के झाड़, ये हमारे खेतों में बहुत सारे टीट के झाड़ लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे टीट लगते हैं इस पर। ये देखो, छोटे छोटे टीट लगने शुरू हो गए हैं। और ये देखो, इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग आई हुई है, कितने अच्छे फूल लग रहे हैं इसके, बिल्कुल एकदम रेड। और ये देखो, पूरे इसके जो फूल हैं इसके अंदर रस होता है और वो बहुत मीठा होता है। ये मधुमक्खी इस पर बहुत सारी आ जाती हैं इसका रस पीने के लिए। लाते हैं ना पहले, फूल आने से पहले ये फूल हैं और उसके बाद इसमें ये ऐसे वाले टीट लगेंगे। ये देखो, ये टीट है जिसका अचार डलता है, इसकी सब्जी भी बनती है। इसका अचार बड़ा अच्छा बनता है और पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें कांटे होते हैं और मधुमक्खी बहुत होती है क्योंकि इसका रस जो ये टीट कड़वे होते हैं और इसका रस मीठा होता है। ये हमने टीट तोड़े हैं। फ्लावर हैं इसके कितने बढ़िया, और इसमें ग्रीन कलर के टीट लगते हैं और ग्रीन कलर का पौधा है। ये देखो, इसमें कांटे होते हैं तो ऐसे कांटे में हाथ डाल के इसको तोड़ते हैं। ये देखो, इसमें कांटे हैं और ये हमारे मम्मी के खेत में लगा हुआ है ये वाला पौधा। अच्छे फ्लावर लगे हुए हैं इसमें और यहीं से हम तोड़ लेते हैं, तो फिर इसका अचार डाल लेते हैं और सब्जियाँ बनाते हैं। और ये अभी शुरुआत है इसकी लगने की, अभी थोड़े थोड़े लगने लगे हैं इसलिए हमने थोड़े से ही तोड़े हैं। कई कई पे लगे हुए हैं छोटे छोटे। और अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये मेरी भाभी है जो ये छड़े हैं जो इसको खींच के और डोले, ये जो पेड़ झाड़ियाँ हैं इनके साथ में लगा देगी ताकि नील गायें घुस जाती हैं इसमें, बहुत नुकसान कर देती हैं। तो ये कुछ तो इसलिए भी लगाते हैं और कुछ ये पेड़ है, जाटी का पेड़ है, इसकी कटिंग इसलिए भी करवाई है कि अब सरसों कट चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका है तो अब बाजरे की बुआई होगी, तो उसके लिए ये जो जहाँ जहाँ तक इस, ये देखो ये पेड़ है, इसकी जहाँ पर भी छाया जाती है वहाँ फसल थोड़ी कम होती है, ग्रोथ नहीं हो पाती, तो इसकी कटिंग करवानी पड़ती है हर साल। हर साल ये उतना ही भारी हो जाता है ये पेड़, तो अब ये कटिंग करवाई है। जैसे भेड़ बकरी वाले होते हैं उनसे करवा लेते हैं और उनकी जो बकरियां होती है वो इसकी जो पत्तियां हैं उनको खा लेती हैं और ये जो छड़े जो बच जाते हैं उसको ये इधर लगा देते हैं ताकि खेतों में नील गाय वगैरह या जंगली कोई पशु ना घुसे और नुकसान ना करे, तो इसलिए ये इनको लगा देते हैं। उसके बाद में फिर
इनको चूल्हे में यूज कर लेते हैं। और ये देखो ये जंगली पौधे हैं और कितनी अच्छी फ्लावरिंग आ रखी है इनमें, बहुत अच्छी फ्लावरिंग आई हुई है वाइट रंग की और कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन ये सब इनको सबको काट देंगे क्योंकि फसल बोने से पहले ये सब, नहीं तो ये फसल को ख़राब कर देते हैं ये जंगली पौधे। वो इनके बीज गिर गिर के काफ़ी सारे हो जाते हैं और ये जो बीज हैं उनको उगने नहीं देते, खुद ही इतने भारी हो जाते हैं। और ये देखो कितनी अच्छी फ्लावरिंग है इनकी, कितनी सुंदर लग रही है। और ये देखो यहाँ पे जो गुहेरे होते हैं, जो चूहे होते हैं, ये अपने बिल बना लेते हैं और इसी में सांप जो नाग होते हैं वो घुस जाते हैं। और ये जो इनकी छाया हैं इनमें आराम करते हैं वो बैठ के यहाँ। और ये देखो दूसरा झाड़ है ये टीट का ही, इस पर भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग आई हुई है और इस पर अभी टीट लगने शुरू नहीं हुए हैं, बिल्कुल ही छोटे छोटे लग रहे हैं। ये बहुत, इससे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आई हुई है ये देखो इसमें, और इसमें बिल्कुल ही दिखाती हूँ मैं, छोटे छोटे टीट बनने शुरू हुए हैं अभी, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये बैलेंस बिगड़ गया मेरा, और ये देखो थोड़े इसमें बहुत छोटे छोटे लगने शुरू हुए हैं। और इसमें देखो मधुमक्खी कितनी है, ये सब इसका रस पीने के लिए आती हैं क्योंकि इसका रस बहुत मीठा होता है। तो ये टीट तोड़ते समय हमें काट भी लेती है, जब हमने बहुत पहले शादी से पहले भी बहुत टीट तोड़े हैं और तब भी ये मधुमक्खियाँ बहुत होती थी इसमें। ये देखो इसके अंदर रस होता है, पूरा पी रखा है। और ये देखो ये टीट तोड़ लेते हैं हम थोड़े से, और ये देखो छोटे 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 जंगली पौधे उगे हुए हैं यहाँ पे बिना, इतनी गर्मी में भी देखो ये जिंदा है, इनको कोई पानी भी नहीं देता, छोटे 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 हरे हरे ये कितने सारे उगे हुए हैं। और ये जब, और ये देखो ये भी जंगली पौधा है लेकिन ये बिल्कुल ये जो रस भरी होती है उसकी तरह होता है, लेकिन यहाँ पर इसको कोई किसी चीज़ में यूज नहीं करता, ये ऐसे ही सूख जाता है और इसके जब बीज गिर जाते हैं और फिर हर साल ये बहुत सारा हो जाता है ये, और वैसे देखने में सुंदर। और ये देखो ये जो कड़ीला है ये मेरे भाई ने बहुत सारे पेड़ों पे बांधा हुआ है कि कोई भी पक्षी यहाँ पे आए तो प्यासा ना रहे, गिलहरी हो गई, बहुत सारे पक्षी आते हैं जैसे पेड़ों में बैठते हैं या खेत में, ये देखो बहुत सब ये नीम के पेड़ पर बांधा हुआ, उधर बेरी के पेड़ पे बांधा हुआ है। तो ये काफ़ी सारे हर जो बड़े पेड़ हैं उस पे बांध रखे हैं। और ये देखो बेरी के पेड़ पे फूल इतने सारे आ गए हैं और अब बेर लगने शुरू हो जाएंगे, ये देखो छोटे छोटे बेर लगने शुरू हो गए और ये भी पक जाएंगे उसके बाद। और ये देखो अब गर्मी बहुत तेज़ हो गई है तो भाभी बोल रही है अब घर चलो क्योंकि धूप बहुत हो गई है, तो अब हम घर के लिए निकल लेते हैं क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप और गर्मी अब की बार वैसे ही बहुत गर्मी पड़ रही है, तो अब हम घर के लिए जा रहे हैं वापसी। तो ये हम गाड़ी में बैठ गए हैं और घर के लिए निकल गए हैं। गर्मी थी, मामा जी कैसा लग रहा आपको? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा मामी, आप धूप हो गई है बहुत तेज तो इसलिए वापस घर जा रहे हैं। माजरा गांव ले चलो, मीटर में चलूंगा ठीक है। तो ये मैंने छोटा सा एक टूर आपको गांव और खेत का दिखाया है, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही मैं छोटी छोटी वीडियो लेके आती रहूँगी आपके लिए। उतरो, चलो। होगी पार्टी खत्म। इतने पैसे दिए थे आपने।